بسم الله الرحمن الرحيم. الإسلام على خمس، خمسة أركان في الدين: صوم وصلاة وزكاة، حج والشهادتين. This topic, understand? Okay. In that, they describe what the student will do, not what the instructor will teach. Difference nazar aa gaya? Main aage chalunga, yahan pe waqt nahi lagaunga aapko. Ek lesson, ek smart SLO ke char parts hote hain. Kya hote hain? Char parts hote hain. Okay. Sabse pehla part? Stem. Tana. Hote hain? Root hoti hai. क्या है? By the end of this lesson, the student will be able to. This is called stem. Action verb. Action verb. यहाँ पर Bloom taxonomy आती है. यहाँ पर किसका रोल होता है? Bloom taxonomy. अच्छा, Bloom taxonomy किस बुला का नाम है ना? बुला है. नहीं अंडरस्टैंडिंग होती है हमारी. हाँ, अच्छा, वो taxonomy का मतलब है क्लासिफिकेशन. किसकी? लर्निंग की. ब्लूम, बेंजामिन ब्लूम एक शख्स था. उसने एक लर्निंग जो है वो ठीक किस तरह से लर्निंग करता है, किस तरह से लर्निंग करता है? कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, यानी बच्चे की नॉलेज डिमेंशन कैसे होती है, उस नॉलेज पर बनने वाला रवैया कैसे जन्म लेता है, और उस रवैये की बुनियाद पर बच्चा अमल कैसे करता है. ऐसे होता है कि नहीं होता? हमारे डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं. नॉलेज पहले आगाही आती है, शऊर आता है. ऐसे होते हैं शऊर के बाद, वो शऊर जब हमें उतर जाता है तो हमारा एक खास रवैया जन्म लेता है. क्या होता है? खास रवैया जन्म लेता है. उस खास रवैये की बुनियाद पर तर्ज अमल वजूद में आता है. सन्नाटा छा गया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा. एग्री? एग्री? ओके. तो वो तर्ज अमल पर जो है वो डिसाइड करता है. तर्ज अमल ये डिसाइड करता है. नॉलेज अच्छा था तो रवैया भी अच्छा और अमल भी अच्छा. समझदार हो गई, अंडरस्टैंडिंग हो गई है. तो एक्शन वर्ब इज ऑल थिंग व्हिच टेल्स यू अबाउट के राइट टाइप का नॉलेज किस लेवल पर देना है. फिर उसके बाद लर्निंग कॉन्टेंट आ गया, उसका अंदर कैसा आ गया. क्या है? द रिलेशनशिप बिटवीन फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन. अच्छा, ये है वो एक्चुअल लर्निंग जो आप करवाना और किस तरह से करवाएंगे वो ये है. किनको करवाएंगे? लिंक है ना आपस में, जिसे लिंक है छोड़ नहीं सकते. वर्ब छोड़ देगा तो क्या हो जाएगी? वर्ब छोड़ देंगे तो ये हो जाएगी. ये तो बता रहा है मैयरेबल, ये बता रहा है, ये वर्ब हमें बता रहा है कि ये एसएलओ मैयरेबल है. डिस्क्राइब, डिस्क्राइब का मतलब कैसे आप असेस करेंगे बच्चों को, ये आगे नहीं आ गया. जब आप बच्चों से पूछेंगे और बच्चे आपको बता सके कि एक दिन की शक्ल और फंक्शन ये होते हैं, ठीक है, बच्चा बता सके तो मैयरेबल हो गया. अच्छा, फिर कॉन्टेक्स्ट इन एन ओरल, आपने ये भी आगे तय कर दिया कि वो बच्चा परफॉर्म करके जुबानी कलामी लिखकर किस तरह से आपको बता सके, डिस्क्राइब करने किस तरह से करे. गॉट इट? तो स्मार्ट एसएलओ को बुला नहीं है, एक स्किल है, सब में आ सकती है. क्लियर? ठीक है. तो अब हम थोड़ा सा जरा इंसानी लर्निंग पैटर्न को भी जान लेते हैं. दो तरह से, एक है ब्लूम, दोनों लड़ पड़े थे. फिर क्या हुआ? सोलो हार गया ब्लूम, फिर गया तो 21st सेंचुरी ब्लूम को अडॉप्ट कर लिया. तो ये बहुत पुरानी बात है, 1926 में बनाई है इसने, 2000 के अंदर दोबारा रिवाइज हुई है. तो ब्लूम टैक्सोनॉमी आज की 21st सेंचुरी की इजाद है. तो हम ब्लूम टैक्सोनॉमी को लेते हैं. तो ब्लूम टैक्सोनॉमी ये बताती है कि बच्चे की लर्निंग तीन हिस्सों में होती है. इसमें कॉग्निटिव में, पैटर्न में, साइकोमोटर में. कॉग्निटिव डोमेन बच्चे की स्किल डेवलपमेंट, सॉरी नॉलेज डेवलपमेंट पे काम कर रही है. और अफेक्टिव इमोशंस, मैंने अभी आपको बताया ना, नॉलेज आएगा तो क्या होगा? रवैया. और रवैया आ गया तो
तो साइकोमोटर क्या है? उसके अंदर ताल्लुक अमल से है, परफॉर्म करने से है, ऐसा है। ओके, अब देखिए, व्हाट यू वांट योर स्टूडेंट नाउ बाय द टाइम दे कंप्लीट देयर लेसन, व्हाट यू वांट योर स्टूडेंट हियर अबाउट बेस्ड ऑन कनेक्शन बन रहा है, अंडरस्टैंडिंग हो रही है, किसकी नहीं हो रही? पूछ रहा हूँ, जवाब दे सकूं बच्चों, ठीक है? Use it, you can now use it, analyze, logical. मुझे कोई बताएगा तुम कोई छाल मारे मेरे दिमाग में, क्योंकि मुझे पता मेरा क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। अच्छा, मुझे उसने हरी मिर्च खाने के लिए क्या, मैंने नहीं खानी। अपना एक पैटर्न डिवेलप होना बच्चे का क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है, होता है कि नहीं होता? एवेल्युएट का मतलब आई कैन गुड आर्ट, वेदर ये जो काम है मैं कर रहा हूँ कि यहाँ पे अमल में फायदा देगा या नहीं देगा, वो एवेल्युएट करना शुरू कर देता है। द लास्ट वन इज, आज मैं आपको क्रिएटिंग करवाने आया हूँ, क्या करने आए हैं? तो करेंगे इंशाल्लाह। स्मार्ट एसएलओ कैसे बनता है? जब आपको राइट टाइप बच्चे की तमाम चीजों के बारे में कंफ्यूजिंग सिचुएशन के हवाले से पता हो, ठीक है जी, क्लियर? अब मैं आपको वर्ब्स के बारे में थोड़ा बता दूं, फिर हम दोबारा लर्निंग इंस्ट्रक्शन की तरफ जाएंगे। सिर्फ 10 मिनट और लूंगा, टाइम ऊपर हो चुके। रिमेम्बरिंग में बच्चे के लिए आपने वो जो स्टेम था, स्टेम याद है? स्टेम क्या था? बच्चे की वो जो स्मार्ट एसएलओ लिखना है उसका पहला हिस्सा क्या है? स्टेम। और स्टेम के बाद एक्शन वर्ब। स्टेम के बाद क्या था? एक्शन वर्ब, जिसने आपके एसएलओ को स्मार्ट दिखाना है कि ये स्पेसिफिक है, ये मेजरेबल है, ये ऑब्जर्वेबल है, ये टाइम बाउंड है, रेलिवेंट है कि नहीं है, वो क्या चीज बताएगी? वर्ब। तो वर्ब के बारे में जानना जरूरी है। ओके, रिमेम्बरिंग के लिए जो वर्ब हमें ब्लूम बताता है, रिकॉग्नाइज करना, लिस्ट, एग्री? ये वर्ड नेमिंग का मतलब वो चीजों के नाम याद रख सके, बता सके। अंडरस्टैंड का मतलब इंटरप्रेट, तर्जुमा, यानी उसको अपनी जुबान में अंडरस्टैंड, फर्क बताना, जैसे मैंने बताया ना रिश्तों में फर्क, चीजों में फर्क, वो बच्चा एग्जैम्पलीफाई।